बातचीत में बीएसपी नेता आकाश आनंद ने कहा कि मायावती इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ खड़ी हैं। देखिए आकाश आनंद ने और क्या कुछ कहा। क्यों है कि ये धारणा है, ये परसेप्शन है कि बीएसपी अब रेस में नहीं है? आई थिंक ये जो परसेप्शन है ये ऑपोजिंग पार्टीज की तरफ से क्रिएट किया गया है। अगर आप इलेक्शन कमीशन का डेटा उठा के देखें तो पार्टी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी 2014 में थी और 2019 में थी। आई थिंक ये जो दुश्मन है ना, अपने सबसे मजबूत ओपोनेंट को ही पकड़ के उसको बार बार पुश करता है क्योंकि उसे उसी से डर लगता है। आई थिंक वही चीज हमें बार बार देखने को मिल रही है कि बाकी सब पे इतना अटैक नहीं होगा जितना बीएसपी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि बीएसपी को डर लगता है क्योंकि केसेस हैं मायावती जी के खिलाफ, आरोप भी हैं, और उनको डर है इसीलिए वो बीजेपी को टेक ऑन नहीं करना चाहते। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सवाल उठा भी रहा है या जो मुद्दे वो उठाते हैं उनपे काउंटर अगर कोई करता है तो वो बहन जी के अलावा आई थिंक कोई और नेता नहीं कर पा रहा है आज की डेट में देश में। चाहे वो राम मंदिर के वक्त बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स पे वो लगाया था कि इन सबको बंद किया जाए, तो उस पर भी बहन जी ने स्टेटमेंट इशू करा था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ये जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना कि बहन जी डरती हैं, बहन जी से ज्यादा बेभाक और आई वुड से मजबूत नेता अगर कोई खड़ा है तो आज बहन जी के अलावा कोई नहीं है इस देश में जो प्रधानमंत्री को चैलेंज कर सकता है। चंद्रशेखर आजाद से डर लगता है, चैलेंज है वो? मैम, चंद्रशेखर आजाद पार्टी जो आजाद पार्टी है वो आज तक एक अपने एक पंचायत का इलेक्शन नहीं जीत सकी है, वो आप नेशनल पार्टी से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो कहां से चैलेंज, किस बात का? राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन से डर लगता है? डर तो किसी से भी नहीं लगता है। डर हमें तब लगना चाहिए जब हम अपने वोटर्स के लिए काम ना करें या उनके हकों की बात ना करें। जब तक हम वो कर रहे हैं हमें किसी से डर नहीं लगता। लेकिन आपने सही कहा कि वोट परसेंटेज को अगर हम देखें, आंकड़ा देखें, तो आप लोगों का वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा है जी। लेकिन ऐसा क्या है कि आप लोग इसको भुना नहीं पाए? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तवज्जो तब आती है जब मापदंड वही होता है कि चुनाव में कितना सीट लाते हैं। अगर आप लोकसभा में देखें, चाहे आप विधानसभा में देखें, बीएसपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले, आई मीन आफ्टर वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। क्या कारण है आपके? एक बार नहीं, चार बार मुख्यमंत्री रही है। बिल्कुल, तो इसलिए आज जो बीएसपी की स्थिति है आपको क्या लगता है क्या कारण है? देखिए, अगर आप देखें कि जब हम अलायंस में थे तब हमारा 19 था, जब हम अलायंस में नहीं थे तब भी हमारा 19% वोट शेयर था, हमारी सीट का डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम अकेले लड़ते हैं और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं इलेक्शन में तो वो हमारे वोट शेयर को काटने का काम करती हैं, जिससे हमारा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से